हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन वाघमारे और स्वागत है आपका अपने ए फॉर एग्रीकॉस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ए फॉर एग्रीकॉस की ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जॉब वैकेंसीज़ की डिटेल्स के बारे में थी, और अब नेशनल सीड कॉरपोरेशन की कुछ एग्ज़ाम डेट्स रिलीज़ हुई है, एडमिट कार्ड आए हैं, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में यही हमारा मेन पॉइंट रहेगा। सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न देखेंगे और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स की कैसी होनी चाहिए, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये है मेरा इंट्रोडक्शन, आप ये बाद में पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जो एग्ज़ाम होने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, सीनियर ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए, तो इनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग के एग्ज़ाम पैटर्न में। तो दोस्तों, इससे पहले जो एग्ज़ाम होती थी नेशनल सीड कॉरपोरेशन की, तो लेट मी क्लियर कि ये जो पहले की एग्ज़ाम थी 2018 और 2019 की थी, वो ऑफलाइन थी और वहाँ पे हमें क्वेश्चन पेपर दिए गए थे और OMR शीट्स दी गई थी जिस पे हमें आंसर टिक करना था। फिर वो कलेक्ट करके उन्होंने OMR मशीन के थ्रू चेकिंग करके रिजल्ट्स वगैरह डिस्प्ले हुआ था। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट नेशनल सीड कॉरपोरेशन इज़ कैरिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये फर्स्ट टाइम नेशनल सीड कॉरपोरेशन ले रहा है, इसीलिए सेंटर्स जो हमें पहले स्कूल्स एंड कॉलेजेस दिए गए थे वो अभी इस बार नहीं है। इस बार कंप्यूटर के हब जो है वो एग्ज़ाम सेंटर के लिए दिए गए हैं एडमिट कार्ड में। तो दोस्तों, अगर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट है, फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न तो इन्होंने चेंज नहीं किया है, चेंज किया है सिर्फ एग्ज़ाम लेने का तरीका। तो आपको घबराने की कोई बात है नहीं, इसमें कोई ज़्यादा जंबलिंग का कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जो पहले होता था वही है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, एग्ज़ाम 100 मार्क्स की है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, सो ईच क्वेश्चन विल बी अलॉटेड विद सिंगल मार्क। सेक्शन ए में है 70% पोर्शन पूछा जाएगा या फिर 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे आप बोल सकते हैं। सेक्शन बी में है वो 30% या फिर 30 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी से आएंगे। तो सेक्शन ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उससे पहले यहाँ पे निगेटिव मार्किंग सिस्टम है, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर योर एवरी रॉन्ग आंसर, सो यू मस्ट बी प्रिसाइज एंड करेक्ट वाइल अटेम्प्टिंग एवरी क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही केयर से आपको टिक करना है, क्योंकि अगर रॉन्ग होता है तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे और एक एसेंशियल क्राइटेरिया उन्होंने दिया है जो पहले नहीं हुआ था, आई थिंक 35 मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई। ओके, सेक्शन ए एंड बी में मिलके आपको एटलीस्ट मिनिमम 35 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं, देन एंड देन यू विल बी क्वालिफाइड एज पास फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होगा, 100 क्वेश्चंस के लिए 90 मिनट्स है और ये काफ़ी सफिशियंट है दोस्तों। थ्योरेटिकल पेपर है, इसमें कुछ आपको ज़्यादा नंबरिंग या फिर ज़्यादा मैथमेटिकल पोर्शन है नहीं या फिर ज़्यादा लेंदी तो क्वेश्चन होते नहीं है, तो 90 मिनट्स इज मोर देन सफिशियंट आई थिंक। ये जो हम देखेंगे इस स्लाइड पे, ये ट्रेनी मेट के लिए है। ट्रेनी मेट के लिए स्पेशल क्यों एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्योंकि ये जो ट्रेनी मेट की पोस्ट है ये 10+2 के बेसिस पे है। तो इसमें इन्होंने सेक्शन ए एंड सेक्शन बी नहीं दिया है, सिर्फ सेक्शन ए दिया है जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, सीनियर ट्रेनिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए बाइफर्केशन किया है पेपर का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, वो ट्रेनी मेट के लिए नहीं होगा। ट्रेनी मेट के लिए क्या होगा, सिर्फ सेक्शन ए होगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे एंड 100 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैक्सिमम इसमें बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों ट्रेनी मेट के लिए। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग सिस्टम ट्रेनी मेट के लिए भी है, 35 मार्क्स का जो क्राइटेरिया है पासिंग के लिए वो ट्रेनी मेट के लिए भी है, एंड 90 मिनट्स बाकी सब सेम है, 90 मिनट्स ड्यूरेशन है। ठीक है, तो दोस्तों ये सब है ट्रेनी मेट के लिए। अब सेक्शन ए सेक्शन बी में बहुत देर से बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर सॉरी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग के लिए जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में पेपर होगा, तो उसमें सेक्शन ए में क्या होगा और सेक्शन बी में क्या होगा ये हम देखेंगे। तो सेक्शन ए में दोस्तों टेक्निकल पोर्शन होगा ज़्यादातर, अगर आपने एग्रीकल्चर से फॉर्म भरा है तो आपको 70% क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आएंगे, अगर आपने मार्केटिंग से फॉर्म भरा है तो आपको ABM से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने इंजीनियरिंग से फॉर्म भरा है तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भरा है फॉर्म तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियसली अगर अकाउंट से क्वेश्चन आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो अकाउंट के क्वेश्चन आपको 70% आएंगे, और अगर आप ट्रेनिंग मेट का फॉर्म भरा है तो आपको बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर के रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में क्या आएगा, सेक्शन बी में सिर्फ 30% वेटेज है, यानी कि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसमें टॉपिक्स कुछ ज़्यादा ही है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड भी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, जनरल इंग्लिश भी है, करंट अफेयर्स एंड GK भी है एंड कंप्यूटर्स भी है। तो दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स है और वेटेज कम है, 30% है, सो आई मस्ट से
कि हर एक टॉपिक के से टॉपिक पे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। जब हमने लास्ट ईयर भी पेपर दिया था और उससे पहले भी 2018 में भी पेपर दिया था, तो यही पैटर्न था, हर एक टॉपिक से चार पाँच क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये वैरी कर सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही है। अगर कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन पूछेंगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के कुछ ज़्यादा पूछेंगे, ऐसा ही। लेकिन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एटलीस्ट 2 to 5 क्वेश्चन आते ही है। लेकिन इसमें कुछ डरने वाली बात है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लाइक रैम, रोम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, यही जो कि सब लोगों को पता होता है। फिर करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा दूर के नहीं होते, अपने 1-2 महीने के करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्रीकल्चर की जो APMC के लॉज आए हैं उस पर क्वेश्चन हो सकता है, या फिर अभी एग्रीकल्चर में जो GDP ग्रोथ रेट है वो 4% रहा है, जबकि बाकी सारे सेक्टर्स का गिर गया था। तो इस पैटर्न में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं करंट अफेयर्स में। बाकी GK के जो क्वेश्चन आते हैं वो जियोग्राफी के रिलेटेड कुछ आते हैं, मतलब आपके स्टेट्स की सेंचुरी या फिर कुछ ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। इसके लिए कुछ ज़्यादा पढ़ने की या फिर अलग से टाइम देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। जनरल इंग्लिश आई थिंक एवरीबडी शुड गेट आउट ऑफ मार्क्स इन दिस जनरल इंग्लिश, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। चेंज द वॉइस रहता है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर, ऐसा ही कुछ एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और जनरल इंग्लिश के जब मैंने क्वेश्चन सॉरी मैंने जब अटेम्प्ट किया था तब 5 क्वेश्चन आए थे, एंड आउट ऑफ 5 बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। तो जनरल इंग्लिश के बारे में भी आपको कुछ डरने की बात है नहीं। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको एक आधा पजल दिया जा सकता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको नंबर सीरीज वगैरह वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जनरल एप्टीट्यूड में भी ज़्यादा डिफिकल्ट डरने वाली कोई बात होती नहीं है। तो दोस्तों, ये 30% पोर्शन है और टॉपिक्स कुछ ज़्यादा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आपका जो मेन पोर्शन है 70 क्वेश्चन का या फिर 70% का, आपको इस पर फोकस करना चाहिए। अगर आपने मार्केटिंग से भरा है तो ABM पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोडक्शन से भरा है तो एग्रोनॉमी या फिर GPB पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपने एग्री इंजीनियरिंग से भरा है तो एग्री इंजीनियरिंग के पोर्शन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो पोर्शन है वो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला पोर्शन है। और इसमें आप कितना भी पढ़ोगे तो आई थिंक टाइम लिमिटेशन के हिसाब से आपको इसमें एफर्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे और आउटपुट कम आएगा। इंस्पाइट यहाँ पे ऐसा है कि आप जितना एफर्ट दोगे उतना आउटपुट आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि यू मस्ट फोकस ऑन सेक्शन ए वेयर 70% ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि एक सर्कुलर आया था 1 सितंबर को NSE की वेबसाइट पे। ठीक है, कि उसमें दिया था कि कुछ वैकेंसीज बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, सीनियर ट्रेनी इन हॉर्टिकल्चर का जो वैकेंसी है वो जो उन्होंने ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट था उसमें सिर्फ एक वैकेंसी थी, उसके बाद उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया था। ये मैंने सोर्स भी लिखा है यहाँ पे कि इस नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया था कि हम सीनियर ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर की कुछ वैकेंसी बढ़ा रहे हैं, तो वो बढ़ाकर उन्होंने 1 से बढ़ाकर 4 कर दी, एडिशनल 3 वैकेंसीज उन्होंने दे दी। स्पेसिफिकली ये जो वैकेंसीज है, दिस पीपल विल बी पोस्टेड एट J&K, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो नॉर्थ इंडिया के मेरे जो दोस्त भाई लोग हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने सीनियर ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर से फॉर्म भरा है, तो यू मस्ट टेक इट सीरियसली, यू मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो दोस्तों ये एक है, बहुत से लोग बोल रहे थे कि कुछ ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ गई है वगैरह वगैरह, तो सिर्फ सीनियर ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर की जो है वो वैकेंसी बढ़ी है, बाकी सारी वैकेंसी जितनी थी एडवर्टाइज में उतनी ही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट के बारे में क्या है, एग्ज़ाम डेट के बारे में हम देखेंगे दोस्तों कि एग्ज़ाम डेट 25th of November और 26th of November की है। बहुत से स्टूडेंट का ये भी कहना आया है कि सर हमने तो 2 फॉर्म भरे हैं 3 फॉर्म भरे हैं तो हमारा एग्ज़ाम कोलैप्स नहीं होगा का। अगर आपका एडमिट कार्ड आपने देखा होगा तो आपका एक भी एग्ज़ाम कोलैप्स नहीं हुआ है। वी मस्ट अप्रिशिएट फॉर द मैनेजमेंट नेशनल सीट कॉर्पोरेशन के एग्जामिनेशन को, क्योंकि उन्होंने सारे एग्जाम्स ऐसे रखे हैं कि किसी स्टूडेंट का कोई एग्ज़ाम कोलैप्स नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एंड सीनियर ट्रेनिंग का अगर आपने भरा है तो आपको 25th पे आपके दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में और नून शिफ्ट में। अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग का भरा है तो आपका 25th पे और 26th पे दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो आपको डेट्स कोलैप्स होने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। उन्होंने पूरा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम टाइम के पहले एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है। जब भी आप जाओगे तो पासपोर्ट फ़ोटो एंड फोटो आईडी प्रूफ मत भूलिएगा, ये आपके साथ होना ही होना है, इसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। सो केयर शुड बी टेकन दैट दिस थिंग्स यू आर कैरिंग विथ यू। ठीक है दोस्तों, तो बाकी एग्ज़ाम सेंटर का इशू था, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए थे कि सर हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं और हमारा सेंटर कुछ दिल्ली में आया है, भोपाल में आया है, जो कि हमने प्रेफरेंस में दिया ही नहीं। तो जैसे दोस्तों मैंने इससे पहले कहा आपको कि ये जो है NSE का फर्स्ट
टाइम सीबीटी है, तो इन्होंने इनको शायद सेंटर्स वगैरह मिले नहीं होंगे, कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसी की वजह से एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आउट ऑफ स्टेट दिया है। तो आई वुड सजेस्ट कि इन्होंने हॉल टिकट जो दिया है उस पर तो आपको ये लिख के दिया है कि नो एनी रिक्वेस्ट टू चेंज इन डेट टाइम एंड एग्जाम सेंटर विल बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ये आपको लिख के दिया है। तो मुझे नहीं लगता ये चेंज वगैरह होगा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ जस्ट सीटिंग ऑन योर चेयर यू मस्ट ट्राई समथिंग। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ईमेल कर दीजिए एक बार एनएससी को, कि जो उनका रिक्रूटमेंट सेल का ईमेल आईडी आपको एडमिट कार्ड पे भी मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट में भी मिलेगा, उस ईमेल आईडी पे आप लिख के दीजिए कि सर हम इसी स्टेट में रहते हैं और ये एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर आया है और इसके वजह से ट्रैवलिंग का भी प्रॉब्लम है पेंडेमिक में, और फिर इसका होटलिंग का भी प्रॉब्लम है, तो हम एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो अगर आप हमें स्टेट का कोई एग्ज़ाम सेंटर देते हैं तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ लिख के आप एनएससी के ईमेल पे आप ईमेल कर दीजिए। अगर कुछ होता है तो अच्छा है, अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर आया है, लेकिन एटलीस्ट आप ईमेल करके देखिए, अगर चेंज होता है तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो ये एक बात है। जो लोगों के बाहर एग्ज़ाम सेंटर है वो लोग मुझे कुछ और भी पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम सेंटर के लिए इतना दूर है, 1200 या फिर 1500 2000 किलोमीटर तक है, तो हमें जाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये तो आपकी आगे की बात होगी, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा आप जाओ और जाके आपका सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है तो दैट विल यू विल डिटरमाइन इट एट वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, बट आगे क्या हो सकता है ये कोई बोल नहीं सकता। तो मैं ऐसा किसी को बोलूँगा नहीं कि आप एग्ज़ाम को जाओ या फिर नहीं जाओ, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर क्लियर करूँगा कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन की ये जो वैकेंसीज़ है ये काफ़ी, मतलब अगर आपने सीनियर ट्रेनिंग में भरा है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भरा है, तो उसमें वैकेंसीज़ देखिए कितनी है। ऑल इंडिया की एग्ज़ाम है तो कॉम्पिटिशन तो ऑब्वियसली होना ही होना है, तो अगर आपको लगता है कि आप टॉप 10 में आएंगे, फिर टॉप 4 में आएंगे और आपका मतलब स्टडी लॉकडाउन में काफ़ी अच्छा हो गया है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एग्ज़ाम को जाओ, कितना भी दूर हो यू मस्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन, एटलीस्ट देर आर चांसेस टू गेट सेलेक्टेड। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने फर्स्ट टाइम भरा है या फिर मेरा कुछ स्टडी है नहीं, तो आप प्लीज़ मत जाओ, क्योंकि इसमें आपका वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा, वेस्टेज ऑफ मनी भी होगा, एंड कोरोना की इस पेंडेमिक में ज़्यादा ट्रैवलिंग करना विदाउट एनी कन्फर्म आउटपुट ये ज़्यादा ठीक भी नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है कि आउटपुट 100% है तो आप बिल्कुल जाओ। ये बात थी दोस्तों। कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर अब AFO का भी प्रीलिम्स आ रहा है और NSC का भी है, तो इसको कैसे टैकल करें, क्योंकि AFO के प्री में काफ़ी अलग सिलेबस है एंड NSC में जो है वो AFO के मेंस का सिलेबस है, तो कैसे किया जाए इसको मैनेज। तो मैं दोस्तों ये बात करूँगा कि AFO के प्रीलिम्स एंड NSC, इसमें मैं कंपेयर नहीं करूँगा, दोनों भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है और दोनों के भी वैकेंसीज जो है वो काफ़ी कंपटीशन लाने वाली है। AFO में भी आपको पता है 100% एश्योरेंस या फिर कंफर्मेशन सिलेक्शन के टाइम पे नहीं होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि NSC का जिनका जिनका स्टडी पूरा है दो शुड कैरी ऑन NSC स्टडी, क्योंकि ये जो NSC का स्टडी है वो आपको AFO को मेंस में भी काम आएगा, और AFO का जो प्री है उसको आपको तैयारी करने में 1 महीना बाद में भी मिलेगा, NSC के बाद में, मतलब दिसंबर का पूरा महीना आपको मिलेगा। यू शुड नॉट कंपेयर कि सर AFO अच्छा है NSC अच्छा है, आपको एग्ज़ाम दोनों के देने हैं, आपको अच्छे से पेपर दोनों के देने हैं। AFO का प्री निकलता है तो फिर उसमें मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, तो उसमें भी कोई सिलेक्शन का गारंटी है नहीं, और NSC का भी आप एग्ज़ाम देंगे सिलेक्शन का गारंटी तो कहीं भी नहीं है दोस्तों। तो यू मस्ट गो इन द कॉम्पिटिशन, यू मस्ट अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन विथ योर फुल पोटेंशियल एंड देन लेट्स सी द रिजल्ट्स। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये कंपेयर मत करो, AFO की प्री है NSC है, तो आई वुड सर गिव मोर मोर वेटेज टू AFO देन NSC, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में टाइम जाने के बाद फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो आई विल सजेस्ट कि दोनों के एग्जाम की तैयारी आप हैंड इन हैंड शुरू रखिए। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड। तो अब आगे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, तो दोस्तों मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नेशनल सीड कॉरपोरेशन के जो प्रीवियस पेपर है वो आपको Part 1 Part 2 Part 3 में लाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और इस चैनल के कांटेक्ट में रहिएगा। आपको NSC के बारे में और भी कुछ गाइडेंस चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसमें आप टेलीग्राम चैनल में भी ऐड हो जाएगा, सो यू विल बी अपडेटेड विद दिस NSC एंड AFO बोथ एग्जामिनेशन। आज से या फिर कल से इसी चैनल पे मैं आपको NSC के प्रीवियस पेपर लेके मिलूंगा, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड,
थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.